इलाका है, वार्ड नंबर 12 सार्वजनिक हॉस्पिटल के पास मेन बाजार का एरिया है। यहाँ पर रोज लाखों लोगों का आना जाना है और इस गंदगी से आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक बीमारियां फैल रही है। इस नाले की कई सालों से सफाई नहीं हुई है। शासन, प्रशासन, अधिकारी और नगर सेवक इस इलाके के सभी लोग से हैं, उनकी वजह से आवाम को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। आप देख रहे हैं हमारे देश की समस्या न्यूज चैनल। ये धुलिया का बहुत ही बड़ा इलाका है। ये नेशनल स्कूल के पीछे और सार्वजनिक हॉस्पिटल के पास का एरिया है। ये आप देख सकते हैं नाले में कितनी गंदगी भरी है। ये गंदगी की वजह से पूरे पानी हमेशा जाम हो जाता है। आसपास के जो जिनके घर नीचे है उनके घरों में पानी घुस जाता है और इस पानी की वजह से, जमने की वजह से मच्छर डास पैदा हो रहे हैं। आसपास के इलाकों में तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का एक महाकाल शुरू है। कोरोना से पूरी दुनिया संक्रमित है, उसके बावजूद धुलिया की जो महानगर पालिका है तो वो इसके ऊपर अभी भी ध्यान नहीं दे रही है और इस गंदगी का ना तो नाला साफ कर रही है। ये साल में एक आधी मरतबा कभी नाला साफ किया जाता है लेकिन उसके बाद नहीं साफ करते। तो नगर पालिका का काम है कि यहाँ की जो आवाम है तो आवाम की परेशानियों को दूर करना चाहिए। इस वार्ड में 4 नगर सेवक है। यहाँ की आवाम बार बार तकरार करती है लेकिन तकरार करने के बावजूद भी यहाँ की आवाम का कोई काम पूरा नहीं हो रहा है। ना तो आरोग्य अधिकारी इनकी तकरार के ऊपर काम कर रहा है, ना सफाई इंस्पेक्टर, ना सफाई कर्मचारी, ना इस इलाके के नगर सेवक वगैरह। आओ हम आपको मिलाते हैं इस वार्ड के एक नागरिक से, जो इस वार्ड के जिम्मेदार नागरिक है। ये आपको बताएंगे इनको क्या क्या परेशानियां हो रही है। मैं खलील अहमद नूर खान, वार्ड नंबर 12 से। हमारे वार्ड के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि ये गंदगी के ताल्लुक से बार बार अधिकारियों को बोला जाता है। महेंद्र ठाकरे साहब को कई मरतबा बोला गया और हमारे वार्ड के आरोग्य अधिकारियों को भी बोला गया। और हमारे वार्ड में 4 नगर सेवक हैं, वसीम मंतरी, आमीन पटेल, डॉक्टर सरफराज और मुख्तार मंसूरी, और चारों से मेरी टॉकिंग होती रहती। उनको बार बार बोला जाता कि देखो भाई जरा गंदगी की पे ध्यान दो, लेकिन हाँ हाँ करते लेकिन कोई काम करते नहीं। और पिछले महीने मुख्तार मंसूरी के लेटर के ऊपर भी हमने सफाई के ताल्लुक से लेटर दिया 26/10 को, आज 27/11 आने के बावजूद भी एक महीना हो गया कोई सफाई पे ध्यान नहीं। इस गंदगी की वजह से हमको बहुत सारी परेशानियाँ होती है। यहाँ पर कपड़ों का बहुत बड़ा बाजार बढ़ता है, इसकी वजह से लोग हमको ऐसी नज़र से देखते हैं कि गंदगी की नज़र से। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि भाई सफाई पे ध्यान दें और जल्द से जल्द गंदगी को साफ करें। बस इतना बोलते हुए मैं दो जुमला खत्म करता हूँ। जय हिंद।